हाय फ्रेंड्स, आप फूडी एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ ये नेनुआ की सब्जी। ये छोटी तरोई है, इसको नेनुआ भी कहते हैं। ये देखिए, इसको धो के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इस तरीके से इसका छिलका हटाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। जो नॉर्मल तुरई हम लोग बनाते हैं उससे भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। एक बार अगर आप बनाएंगे तो हर बार यही बनाएंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और साबुत धनिया, इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैंने एक मिर्ची ऐड की है। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच जीरा। हींग 1 चम्मच और जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, ये पक गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला 1 चम्मच, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट बना के मैंने रख दिया था, ये ऐड कर दिया है मैंने इसमें। इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, ये पक गया है। अब इसमें हम ये जो सब्जी कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से भुनने देंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया नमक। नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया पानी। पानी मैंने 1.5 कप ऐड किया है। ये कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 सीटी में पक जाएगी ये। ये देखिए, सब्जी बनके रेडी हो गई है। कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी सब्जी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।